सरदार पटेल राजनीति में वंशवाद के घोर विरोधी थे। कहा जाता है कि सरदार पटेल ने हिदायत दे रखी थी कि जब तक वो दिल्ली में हैं, तब तक उनके रिश्तेदार दिल्ली में कदम ना रखें और संपर्क ना करें। उन्हें डर था कि इस कारण उनके नाम का दुरुपयोग हो सकता है। जी न्यूज ने लौह पुरुष के परिवार से बात की। गुजरात के लौह पुरुष सरदार पटेल के परिवार की चौथी पीढ़ी गाँव करमचंद्र में रहती है। आप ये देखिए, सरदार गृह लिखा हुआ है, एक छोटा सा घर है। यहाँ पे सरदार पटेल की चौथी पीढ़ी रहती है, इसीलिए अब हम अंदर चलते हैं और बातचीत करेंगे जो उनके परिवार के लोग हैं उनसे कि आखिरकार चौथी पीढ़ी सरदार पटेल की आज मौजूदा स्थिति में क्या कर रही है, कैसे उनके हालात हैं, उनके विचार क्या हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं और उनकी सोच क्या है। इसीलिए हम चलेंगे सीधे सरदार पटेल जी की चौथी पीढ़ी के इस घर में जहाँ पर उनके लोग मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यह सरदार पटेल जी के परिवार से लोग हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की चौथी पीढ़ी के। समीर भाई पटेल इस वक्त हमारे साथ में है आनंद में, क्योंकि आप सब सरदार पटेल जी के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन उनका जो पूरा ये परिवार है वो कैसे रहता है वो आज हम आपको पहली बार दिखा रहे हैं। समीर भाई, किस तरह से आप लोग रह रहे हैं? बहुत ही सामान्य तरीके से हमने देखा, क्योंकि सरदार पटेल जी देश की इतनी बड़ी शख्सियत और उनका परिवार इतने सामान्य तरीके से यहाँ रहता है। हमारा पूरा परिवार एकदम सिंपल है, सिंप्लिसिटी से हम लोग रह रहे हैं, एकदम अच्छे से रह रहे हैं, सब बढ़िया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरदार पटेल जी के बारे में? क्या आपने अपने जो आपके पूर्वज थे उनसे क्या सुना और क्या जाना है? सरदार साहब ने गांधी जी को मिलने के बाद पूरा उनका जो स्टाइल था जीने का वो सब चेंज कर दिया, वो गांधीवादी हो गए और फिर देश के लिए काम करने में वो पूरा जिंदगी समर्पित कर दिया। और यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जी न्यूज़। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।